अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश पोएम नंबर 4 स्पीक अप के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हर एक को इस वीडियो का फायदा जो है वो हो सके। तो चलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की वीडियो शुरू। इससे पहले के जो तमाम अपलोडेड वीडियोस हैं वो आपके चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में क्लास 10 इंग्लिश से देख सकते हैं। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे रिकमेंडेशन है कि प्लीज हमें वहां पर भी फॉलो करें, क्योंकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो आप हमारे साथ वहां पे शेयर कर सकते हैं, और हमारे साथ जिस तरह की भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज का ये वीडियो शुरू। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि नज़म स्पीकअप जो है बहुत ही एक शानदार नज़म लिखी गई थी आज़ादी के दौरान, और उन लोगों को होशियार करने के लिए, उनको जगाने के लिए जो आज़ादी की मुहिम में सब साथ में मिलके भारत को आजाद करने में लगे हुए थे, सब को इन सब को ये समर्पित थी, या ये पोएम जो थी इनके बारे में लिखी गई थी। तो आज के इस में बात करेंगे हम क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम। जो पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो उन पोएटिक डिवाइसेस के बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले एक इमेजरी का डिवाइस यूज किया गया है। इमेजरी क्या होता है? जब आपके पास कोई इस तरह का सीन क्रिएट किया जाए जो आपको रियल लगे। आपको ओवन का एक एग्जाम्पल दिया गया होगा, भट्ठी का एक एग्जाम्पल दिया गया है पोएम के अंदर। वो आपको जब आप पढ़ते हैं तो आपको जहन नशीन हो जाता है, वो सारी चीजें जो है सामने पड़ जाती है। तो इसे इमेजरी कहा जाता है। द पोएट हैज impeccably used this different imaginaries in this poem, such as visual and organic imagery. तो basically imagery के 7 types होते हैं, तो इसमें 2 visual imagery और organic imagery जो है इस्तेमाल हुआ है इस poem के अंदर। तो visual imagery की बात करते हैं। The blacksmith shop stands for the liberty of freedom fighters have created for the liberty of their motherland. तो यहाँ पे जो ब्लैक स्मिथ का शाप जो है, लोहार की वो भट्ठी का जो शाप के बारे में बात की गई है, वो किसके बारे में है? वो बेसिकली लिबर्टी ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करती है। द ओवन एंड द फायरियस फ्लैम स्टैंड्स फॉर द कुरेज, जिसे हम कहते हैं करेज के लिए, हिम्मत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। द चेन्स एंड द फेटर्स आर द ऑप्टिमस एपिटोमस ऑफ स्लेवरी विच इज द पोएट इज डिटरमाइंड टू ब्रेक। तो यहाँ पे ये जो फिटर्स और ऑप्टिमिस जो यूज किए गए हैं, जो चेन्स के लिए वर्ड्स यूज किए गए हैं, सो बेसिकली ये स्लेवर्स की उन चेनों के लिए यूज किए गए हैं जो कि टूट चुके हैं। ऑर्गेनिक इमेजरी में बात की गई है। इट हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोएम शोइंग द पोएट्स इमोशंस एंड फीलिंग टुवर्ड्स द पीपल। सो बेसिकली ये इमेजिनेशन और पोएट की फीलिंग लोगों के लिए बात की गई है इसके ऊपर। हु आर सफरिंग थ्रू द लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स कास्ड बाय देम by the tyrants from for which Fez wants to awaken sleepy community. और यहाँ पे ऑर्गेनिक इमेजरी में पॉइंट ने जो चीजें यूज की हैं उसमें उसने बात की है उन सोए हुए उस मुआशरे को जगाने की बात की है, और उसके बारे में उसकी फीलिंग को रिप्रेजेंट किया है, जिनको वो स्लीपी कहता है। और ये कहता है साथ में कि अब आप झुक जाओ, नहीं तो उठ जाओ, नहीं तो टाइम जो है वो रन आउट कर जाएगा। उसके बाद एंजैम्बमेंट का यूज किया गया है पोएटिक डिवाइस, यानी कि एक लाइन को बगैर किसी पाज के स्टार्ट से लेकर एंड तक। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स, स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड, बात करो क्योंकि आपके होंठ तो बंधे हुए नहीं है, एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, एक ही लाइन और एक ही एंडिंग। अनदर एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्बमेंट इन द सेकेंड कपल इज स्टैंजा व्हिच सेज दैट द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स। ठीक है, यानी कि ये जो बेड़ियां हैं, ये जो वक्त के जो दायरे हैं, यानी कि अंग्रेजी सरकार की जो स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है। तो एक ही मीनिंग में, एक ही वर्ड में एंड तक है। और इसका एक और एग्जांपल भी दिया हुआ है, बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड। सो यहां पे यूज किया गया है। उसके बाद एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, रेपिटेशन और रिफ्रेन रिफ्रेन का इस्तेमाल किया गया है। द फ्रेज इज लाइक फिरिस फ्लैम्स आर ऑलरेडी बिफोर यू ब्लड, यानी कि सेम मीनिंग्स दो चीजों का,
सेम स्टार्टिंग के साथ दिया गया है, और उसके बाद रिपीटेशन का इस्तेमाल किया गया था, फ्रेज जिसे हम कहेंगे स्पीक अप हु हैज बीन रिपीटेडली यूज्ड इन द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा, यानी कि बार बार यूज करना किसी चीज को। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेज द वर्ड सच एज आर उवन यूर एंड स्पीक हैव बीन यूज्ड रिपीटेडली, और ये कुछ वर्ड्स जो है जो लगातार यूज किए गए हैं। रिफ्रेन, इट इज रिपीटेशन ऑफ द लाइन ऑफ द फ्रेज और इवन अ वर्ड एट द एंड ऑफ द स्टैंजा। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ अ लाइन और फ्रेज और इवन अ वर्ड एट द एंड ऑफ द स्टैंजा। दस वी कैन से रिफ्रेन हैज बीन यूज्ड इन द वर्ड स्पीक, जो बार बार यूज किया गया है, इज यूज्ड एज एंड ऑफ द टू स्टैंजास, यहां पे इस्तेमाल किया गया है इस वर्ड को। तो चलिए उसके बाद है पोएम, एक बेसिकली फ्री वर्ड्स पोएम है जो इससे पहले भी हमने पढ़ी थी, एक फ्री वर्स पोएम थी। उसके बाद इट इज द फ्री वर्स पोएम हैविंग नो राइमिंग स्कीम एंड कंप्राइजेस थ्री क्वाट्रेंस, जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है जिसे हम कहेंगे प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटैगोनिस्ट, दो चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया है। इंडियन पीपल हु आर एक्चुअली पोर्ट्रेड एज एंटी हीरोज एंड फेज इज ट्राइंग टू वेक अप दियर स्लीपी कम्युनिटी, जो लोग लड़ रहे हैं आजादी के लिए उनके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं फेज, उसके लिए प्रोटैगोनिस्ट यूज किया गया है। और एंटागोनिस्ट आर बेसिकली ब्रिटिशर्स, और यहाँ पे ब्रिटिश लोगों के लिए, अंग्रेजों का साम्राज्य के लिए इस्तेमाल किया गया है, हु हैव बेसिकली ओप्रेस्ड द पोअर इंडियन पीपल। उसके बाद बात करते हैं अब हम इस टेक्सचुअल के क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है द पोएट प्रोवोक्स द रीडर टू स्पीक अप, व्हाई डज ही डू से। तो रीडर को पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है, वो उसे होशियार करना चाहता है, वो प्रोवोक करता है कि तुम बात करो, तुम चिल्लाओ, तुम अपनी बात रखो लोगों के सामने, ऐसा क्यों है। द पोएट बेसिकली प्रोवोक्स द रीडर टू स्पीक अप बिकॉज ही वांट्स देम टू स्टैंड अप एंड ज्वाइन द हैंड्स विद द अदर फ्रीडम फाइटर्स। पोएट इसलिए कहता है ताकि सभी लोग उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ खड़े हो जाएं जो फ्रीडम फाइटर अकेले लड़े जा रहे, ठीक है। और दूसरी बात जो है, एंड ब्रिटिश रूल शुड इंडिया इन इंडिया शुड कम टू एन एंड, He wants them to raise their voice against the British oppression before it's too late. और वो अपनी आवाज उठाना चाहता है उन ब्रिटिश लीडर्स के खिलाफ जिन्होंने भारत को ओप्रेस करके रखा हुआ है। He wants them to have courage and speak the things that they have kept buried in their hearts out of fear. वो डर की वजह से जो चीजें उन्होंने दबा के रखी हुई हैं अपने जहनों में, अपने दिलों में, शायर चाहता है कि वो उनके बारे में बात करें। और नेक्स्ट है the poet asks the reader to come up with the truth. How does he do so? तो रीडर क्या चाहता है, एक सच्चाई के साथ सामने आ जाओ। द पोएट रिमाइंड्स द रीडर ऑफ रियलिटी ऑफ लाइफ, वो रियलिटी ऑफ लाइफ समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। ही टेल्स द रीडर दैट लाइफ इज शॉर्ट बट बिफोर डेथ पुट्स एन एंड टू ऑल द एक्टिविटीज, ही मस्ट कम अप विद द ट्रूथ बिकॉज ट्रूथ नेवर डाइज एंड ऑलवेज प्रिवेल्स अगेंस्ट द फॉल्सहुड, सो ही मस्ट नॉट डिले इन स्पीकिंग अप। सच्चाई के साथ आगे आओ, अपनी बात रखो, सच के साथ लड़ो, सच के साथ रहो, ये समझाने की कोशिश कर रहा है पॉइंट जो है इस पॉम के अंदर। उसके बाद है हाउ विल द चेन्स ब्रेक, ये चेन्स कैसे टूटे टूटेंगी। द चेन्स ऑफ स्लेवरी विल ब्रेक वंस पीपल रेज देयर वॉइसेस ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस, जो अंग्रेजी सरकार का जो जुल्म था उसके खिलाफ आवाज उठाना और बाहर निकलना, इसे यहां पोएट ने कहा है कि इससे चेन्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डज द पोएट अर्ज द रीडर टू स्पीक अप नाउ। अर्ज पोएट क्यों ये कह रहा है कि अभी से उठ जाओ और अभी से ही बात करनी शुरू करो, क्योंकि पोएट का ये मानना है कि अगर आप थोड़ी देर के बाद बात करेंगे तो इट विल बी टू लेट। इज इट राइट नाउ, इट्स टाइम व्हेन ही इज येट अलाइव, अभी वो जिंदा है and he has the ability to speak up, so वो सबको जगाने की कोशिश करता है। और उसके बाद कहता है at this time his voices of protest will certainly give boost to the movements of the help to break the chains of slavery, क्योंकि अभी सारे लोगों ने इसको पीक पे पहुंचा दिया है, अब सबका साथ चाहिए ताकि अंग्रेज यहां से भाग जाए और हमारी जो यहाँ की अपनी हुकूमत है, एक अपना देश, एक अपनी कंट्री हो, और स्लेवरी की ये जो चेन्स है इसे तोड़ा जा सके। Do you think speak up is an effort of the poet to give voice to the voiceless or how? क्या आपको लगता है कि ये उन लोगों के लिए एक effort किया है poet ने जिनका आवाज नहीं है, या जो लोग डर के मारे छुपे हुए हैं या अपनी आवाज बाहर नहीं निकाल रहे हैं, और ये कैसे है? Speak up is really an effort of the poet to give voice to the voiceless. Speak up basically एक effort ही तो है poet का, ताकि वो उन लोगों की आवाज बन सके जिनकी आवाज नहीं है, ठीक है।
The poet infuses a new life in the oppressed people and inspires them with courage, confidence, fearlessness. और वो उसे डर को भगाने की बात कर रहा है, करेज दिखाने की बात कर रहा है कि हिम्मत करो, खड़े हो जाओ, अब हम बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं आजादी के. तो ये सारी चीजें पोएट समझाने की कोशिश कर रहा है. द पोएट टेल्स देम दैट दे हैव लिप्स, टंग एंड सोल ऑफ देयर ओन. पोएट ने ये बात बता रहा है कि आपके पास होंठ तो अपने हैं, आपके पास रूह तो अपनी है, आप उन रूह को, उस टंग का, उस जबान का इस्तेमाल करें और अपनी बात को आगे रखें और खड़े हो जाएं इस जुल्म और इस तशद्दुद के खिलाफ. उसके बाद जो नेक्स्ट है, लर्निंग अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम. व्हाट आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम. द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम आर लिप्स आर नॉट सील्ड. उसके बाद टाइम इज रनिंग आउट बिफोर यू बॉडी, योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे. ट्रूथ इज नॉट येट डेड. लाइफ देयर इज लाइक लुक देयर इन दैट स्मिथी. ये इस तरह के बहुत सारे मेटाफर्स का जो है वो इस्तेमाल किया गया है पोएम के अंदर, क्योंकि मेटाफर हम ऑलरेडी आपको पहली वाली पोएम में समझा चुके हैं कि मेटाफर बेसिकली क्या होता है. तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि यहाँ वीडियो ना बड़ा ना हो जाए. व्हाट इमेजेस डज द पोएट ड्रॉ फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप. क्या इमेज क्रिएट करना चाहता है ब्लैक स्मिथ की शॉप से. द पोएट ड्रॉज द फॉलोइंग इमेज फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ शॉप. रेड ओवन और उसके बाद फायरियस फ्लेम्स के, वो आग के जलते हुए शोलों की बात कर रहा है, तपते हुए उस ओवन की बात कर रहा है. पैडलॉक्स के ओपनिंग की बात कर रहा है, जो किसी में भट्टी में आप लोहा डालो या लॉक डालो तो वो कुछ देर के बाद पकने के बाद फट जाता है, अलग अलग हो जाता है. फेटर सिकेटिंग अराउंड और जो चेन्स के टुकड़े हैं उनके गिरने की बात कर रहा है, उनके अलग अलग होने की बात कर रहा है. सो यहाँ पे बात होती है. उसके बाद एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके पास MCQ या जिस तरह से हमारे पास पूछे जाते हैं, इनमें क्या है हमारे पास. Speak up for your lips are not sealed and your words are still of your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. आप बात करो क्योंकि आपका रूह अपना है. तो ये सारी जो पहली लाइन्स हैं, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सिंपल एंड इजी सिचुएशन में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. उसके बाद एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स पूछे गए हैं. तो जो पहला वर्ड है बहुत ही सिंपल है. The poet wants to make his dash dash realize. तो his countryman या his people, जिसे हम कह सकते हैं his countryman, ठीक है, countryman realize, country, okay, countryman, give them the power to speak. और वो उसे power देना चाहता है उनको speak करने की, बात करने की. Give the power to speak and they must speak up the things they want to से. जो वो बात करना चाहते हैं वो उसके बारे में बात करें, डरे ना, वो लोगों को रियलाइज कराना चाहता है. एंड दे आल्सो हैव डैश डैश ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास सोल भी तो अपना है. दे हैव ओन सोल देयर ऑफ देयर ओन. दे शुड फॉलो डैश डैश, दे शुड फॉलो द वॉइस. ठीक है, वो इस आवाज को पकड़े और खड़े हो जाए. वॉइस सोल एंड से द डैश डैश एंड से द थिंग्स दे हैव केप्ट बरीड. से द थिंग्स They have kept buried. ठीक है, hearts out of fear. यहां पर होता है हमारा खत्म. उसके बाद जो है, उसके बाद है sealed. Study the following expressions. Use the poet and write appropriate meaning for their expressions as well. उसके बाद क्या है sealed. Sealed का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या आएगा. Closed or fixed. Is it right? Upright. Upright का मतलब होता है यहां पर खड़ा हो जाना. ठीक है, तो upright का मतलब यहां पर morale है. Now उसके बाद लास्ट है सोल. ठीक है, यानी कि रूह, स्पिरिट जिसे हम कह सकते हैं. ये थर्ड पार्ट में आपका जो है आएगा. सो फर्स्ट मैंने आपको बताया क्लोज्ड और फिक्स्ड, क्लोज्ड वाला और फिक्स्ड, और सेकंड में आपका जो है अपराइट, और उसके बाद सोल में आपका स्पिरिट आएगा. एंड देन द सेंट्रल वन दैट इज अपराइट मीन्स द मोरल. नेक्स्ट उसके बाद है एक्सट्रैक्ट नंबर 2. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एट द एंड. इज इट राइट? सो क्या क्वेश्चंस हैं, हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. दीज आर द क्वेश्चंस बेसिकली. व्हाई डज द पोएट कॉल अपॉन हिज कंट्रीमैन टू स्पीक अप. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड द पीपल स्पीक. वो लोगों को क्या बात करनी चाहिए. गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग. फायरियस, फेड अवे एंड रनिंग आउट. सो इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ इसी के बेस पे पूछे गए हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड दीज आर द वंस. ओके, सो इसमें अगर हम बात करें,
ही वॉन्ट्स हिज कंट्री मैन टू स्पीक अप बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट. ये पहले क्वेश्चन का आंसर है. दूसरे क्वेश्चन में क्या बात करने के लिए वो अर्ज कर रहा है, उनको क्या बात बताने के लिए वो अर्ज कर रहा है, दैट इज दे शुड स्पीक अप, दे वॉन्ट टू स्टे. वो उन बातों पे ध्यान रखें जो वो कहना चाहते हैं बेसिकली, और जो बात वो करना चाहते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये जो मीनिंग्स हैं हमारे पास ये वर्ड्स की. ठीक है, फायरियस होते हैं खतरनाक जिसे हम बोलेंगे ना, या यहाँ पे अगर इंग्लिश मीनिंग की हम बात करें तो वायलेंट. ठीक है, यानी कि बहुत खतरनाक शोले दिखने वाले, वायलेंट, वायलेंट VIOLENT वायलेंट. एंड आप इसके साथ थोड़ा सा और भी कुछ हम ऐड करेंगे, या वायलेंट एंड एंग्री लिख दें तो एक अच्छा मीनिंग बन जाता है, एक कंप्लीट मीनिंग बन जाता है. फेड अवे, फेड अवे का यहाँ पे मतलब क्या है, टू बिकम वीक, यानी कि खत्म होने वाले, टू बिकम वीक. यहाँ पे अंग्रेजी सरकार के लिए ये वर्ड यूज किया गया है कि उनकी सरकारें और ये चैन्स वगैरह जो है. रनिंग आउट का मतलब क्या होता है, बीइंग फिनिश्ड. ये रनिंग आउट का मतलब होता है बीइंग फिनिश्ड, बीइंग फिनिश्ड. ठीक है, तो ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जो इसके बारे में बोला जाता है. सो चलिए, यहाँ पे आज का वीडियो होता है हमारा खत्म. उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और एक बार फिर से आप सबको रिकमेंड कर दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ में अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. सो गेस्ट पेपर्स भी बहुत जल्दी ही हम बनाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट का, सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड. और जैसे ही वो आएंगे तो आप सबके साथ इंशाल्लाह शेयर किए जाएंगे. अभी जो ट्रेंडिंग में चल नहीं रहा कुछ ऐसा, तो जैसे ही हमारे पास कोई एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इस साल का पैटर्न किस तरह से होने वाला है, बाकी चीज़ें क्या हैं, तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे, और आपको सिलेबस बताएंगे कि कौन सा सिलेबस आपको याद करना है, कौन से पोर्शंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा. मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. होने के बाद.